हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बोला गया है, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब आप अगर देखेंगे, बींग अ स्टूडेंट, बींग अ जॉब होल्डर, बींग अ बिजनेसमैन, कुछ भी आप लाइफ में क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी पर्टिकुलर अपने जो भी टास्क है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसमें जितना बड़ा आपका जितना स्ट्रगल होगा, जितना लंबा स्ट्रगल होगा, जीत जो है ना, जब आप वो सक्सेस अचीव करेंगे, वो जीत उतनी ही शानदार होगी, ये बोला जा रहा है। आपने बहुत सारे, मैं बोल सकता हूँ आपसे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बॉलीवुड में भरे हुए हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देखिए, बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन अचीवर्स रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल है उसकी एक पराकाष्ठा को पार करते हुए जब जीत हासिल करी, तो फिर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तो ऐसा ही संघर्ष अगर आपका चल रहा है, तो आप संघर्ष करते रहिए, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए, और जिस दिन आप जीतेंगे, उस दिन आपको बिल्कुल लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल, तो जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे है, टॉप पे जो है वो यूएसए बना हुआ है। इंडिया के अगर केसेस आप देखेंगे, तो लगभग 63,68,363 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं अब तक। नंबर ऑफ़ डेथ्स देखेंगे तो 99,298 डेथ्स जो अब तक हो चुकी हैं। लगभग इसमें अगर आप देखेंगे तो 100,000 का आंकड़ा बहुत जल्दी हम लोग छूने वाले हैं। रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग 53,23,669 केसेस टोटल पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का जो कोरोना अपडेट। अब बात कर लेते हैं आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जब एग्रीकल्चर को अपनी इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपनी बायोडायवर्सिटी का, अपने पेड़ पौधों का, अपने जो जानवर हैं उनका ध्यान रखते हुए अपनी खेती इस तरीके से करें, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, जिससे कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिवेंट कर सकें ख़राब होने से, कि वो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट ना डालें। उसके बाद रिग्रस स्टैंडर्ड्स, जैसे कि बहुत सारा जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जिससे कि एनिमल्स जो होते हैं वो कई बार अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बार इंसेक्ट जो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो जानवर हैं वो अपनी जान गंवाते हैं, या फिर आप देखेंगे बहुत बार हम बाड़े लगा देते हैं, उसमें फंस के मर जाते हैं। तो बहुत सारे और दूसरे इशूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जानवर जान गंवा देते हैं अपनी। उन सबको ध्यान में रखते हुए, अपने फ्लोरा, अपने फाउना को ध्यान में रखते हुए जब हम खेती करते हैं, पूरी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली खेती से बोल सकते हैं आप, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आइडिया रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इंडिया के, जो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, इंडिया का अगर आप देखेंगे, इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अभी नेसेंट स्टेज, मतलब अभी इनिशियल स्टेज में ही आप बोल सकते हैं, लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर्स जो एरिया है एग्रीकल्चर के अंडर में, वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत आता है। और इसमें जो इंडिया का टोटल आप देखेंगे कि जो टोटल एक तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति, वो 2.7 मिलियन हेक्टेयर्स का है। तो कभी आपसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहाँ पे ऐसे अगर आप डेटा कोट करेंगे, तो एक जो इम्पैक्ट डालेंगे आप अपने एग्जामिनर पे, बहुत ही शानदार इम्पैक्ट जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जितना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, उसका ये जो हम जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उसका सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन है नेट सोन एरिया जो है। तो आप समझ सकते हैं अभी हम कितना ज़्यादा पीछे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है। वहाँ का जो कवरेज एरिया वो सबसे ज़्यादा, लगभग 27% जो इंडिया में टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वो मध्य प्रदेश में करी जाती है। जीके का, जीएस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ की जाती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी है। तो आप ये याद रखिएगा, जो कवरेज एरिया के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर आता है। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में, वो है सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है महाराष्ट्र। ये टोटल जो है इन 3 राज्यों में पूरे इंडिया का 50% जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है। तो आइडिया रखिएगा इस बारे में। उसके बाद अगर कुछ इश्यूज हम देखें इंडिया के अंदर,
क्या कुछ इश्यूज़ हैं जिससे कि हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक तरीके का दायरा है वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आप देखेंगे तो बहुत जो हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो पॉलिसी है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली 20 स्टेट्स के पास ये पॉलिसी पहुँच चुकी है, पहुँच पाई है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो चलन है ये पूरे इंडिया के ऑल अक्रॉस इंडिया में होना चाहिए, सारी यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक डाइवर्स कल्चर है उसे हमारे किसानों को अपनाना चाहिए, उन्हें सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, समझाई जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि हमारे जो सरकार है वो जिस उसका जो एक पर्सपेक्टिव है कि किसानों की इनकम को डबल करना है तो कहीं ना कहीं वो सारे पर्सपेक्टिव जो अचीव हो सकेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड नहीं होता है, कोई ज़्यादा इसमें आपकी बॉडी में नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट्स लाइक अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को छोड़ के, हिमाचल, मिजोरम को छोड़ के 100% यहाँ पे जो है 100% ऑर्गेनिक एम्बिशन का टारगेट रखा गया है। देर आर ओनली अ सिलेक्ट फ्यू दैट हैव स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एकदम मतलब स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जहाँ पे आपको ये अचीव करना है। सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में वहाँ पे आप देखेंगे हैव लेस देन 5% ऑफ नेट सोन एरिया अंडर फार्मिंग। मतलब सिक्किम के अंदर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, हर जगह जहाँ पे भी खेती होगी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की होती। लेकिन अगर पूरे अदर स्टेट्स का अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो इंडिया के अंदर सिर्फ 5% जो इंडिया का नेट सोन एरिया है, जो टॉप 3 स्टेट्स का जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का नेट सोन एरिया वो सिर्फ 5% वहाँ पे खेती होती है टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पीछे है। यही कारण है सिर्फ 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं विच हैव देयर ओन सर्टिफिकेट एजेंसीज एंड आर सर्टिफाइड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आप अपीडा बोलते हैं। तो 12 स्टेट्स ही सिर्फ रजिस्टर्ड हैं अपीडा के थ्रू। उसके बाद अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स लाई जाती हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे उनको एनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। सबसे पहली अगर स्कीम आप देखेंगे तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इस NPOP इसे बोलते हैं बेसिकली। इसमें आप देखेंगे तो सर्टिफिकेशन जो होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के उसके बारे में बात की जाती है। थर्ड पार्टी इसमें सर्टिफिकेशन एजेंसीज देखने को मिलता है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है अपीडा के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया अपीडा के बारे में। उसके बाद दूसरी जो स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस स्कीम में अगर आप देखेंगे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। और ये जो एक जिस प्रोजेक्ट का पार्ट है वो है प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली, सस्टेनेबल का मतलब मैं अगर पहले आपको बताऊँ, सस्टेनेबल का मतलब होता है जो भी आज हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो उसको इस तरीके से यूज़ करें कि कल को जब हमारे बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आए तो वो भी उन नेचुरल रिसोर्सेज को उसी तरीके यूज़ कर सके जैसे हम आज यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो हम जिस तरीके से पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने पानी को गंदा कर रहे हैं, अपने हवा को गंदा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन है क्या गारंटी है कि वो कल को जब सांस लेगी तो साफ हवा आएगी, साफ पानी उनको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से हम एग्रीकल्चर को ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे, एग्रीकल्चर फार्मिंग हो गया, उसके बाद जो प्रॉपर ये और जो दूसरी टेक्निक्स है जैसे हो गया ज़ीरो बजट फार्मिंग, इन सारी फार्मिंग के तरीके से हम आने वाली जो अपनी जनरेशन है उसको एक बेहतर कल दे पाएंगे और वो भी जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो भी कल यूज़ कर पाएंगे, आइडिया रखिएगा। उसके बाद इस स्कीम के तहत अगर आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें बेसिकली जो प्रमोट किया जाता है थ्रू अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड PGS,
पार्टिसिपेटरी गारंटी सर्टिफिकेशन स्कीम, मतलब इसमें जो एक समूह बना के खेती करने की बात की जा रही है कि एक ऑर्गेनिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे किसानों को पहले पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कैसे ये खेती करनी, उसके बाद उन्हें ये खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो इस समय जो हमारे देश में जिस तरीके से रेप के जो वारदात हैं वो बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ एक तरीके से जो अत्याचार जिस लेवल पे पहुंच चुका है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट इस पे चुप है, इस सारे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, हमारी जो सेंट्रल जो एक तरीके से गवर्नमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, और हमारी जो महिला सांसद हैं, महिला जो विधायक हैं, एटलीस्ट उनको मिल के एक प्रमुखता से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और वो कहीं पर भी अपनी पूरी आज़ादी से आ जा सकें। तो दोस्तों ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ये सारी चीज़ें शेयर करिए और जस्टिस की बात करिए कि जस्टिस इंश्योर्ड होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको मेरे अगर टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आए सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।